सज्जी जी, ये अच्छी तितलियां पाल रखी हैं आपने। जब देखो घर जोड़ने की नहीं तोड़ने की बातें करती हैं। रामकिशन जी, हाँ जी, एक बात तो सच है, आज समाज में रिश्तों की अहमियत न जाने कहाँ गुम हो गई है। ऐसे में आपका परिवार, इसमें बसा प्यार सबके लिए मार्गदर्शक है। इसमें क्या शक है अम्मा, रामकिशन जी का तो सारा जीवन ही मार्गदर्शन है। और जीवन के इस सफर में हमारी ममता ने आपका खूब साथ दिया है, क्यों रामकिशन जी? बिल्कुल वकील साहब, जब ममता इस घर में ब्याह कर आई थी तो क्या था मेरे पास, तन्हाई और गोद में साल भर का विवेक। ममता जी ने जो विवेक बेटे को प्यार दिया है उसकी वाकई मिसाल नहीं। वकील साहब जानते हैं आपकी बहन को आज तोहफे में हमने क्या दिया है? हमने इन्हें वचन दिया है कि जिस दिन हम अपनी तीनों बहुओं के चेहरे देख लेंगे उस दिन से हमारा सारा वक्त इनका। जिम्मेदारियां निभाते निभाते जो खुशी के पल मैं इन्हें नहीं दे पाया वो सब दूंगा। तो रामकिशन जी विवेक की शादी की शहनाइयां कब सुनवा रहे हैं? उस दिन की खुशी के लिए मैं दिन रात प्रार्थना कर रहा हूं मौसी। रिश्ते तो कई आए मगर विवेक के हाथ की वजह से। वे रिश्ते? छी, एक भी विवेक के लायक नहीं था। हाँ रामकिशन जी, इंसान की पहचान तन से नहीं मन से की जाती है, और विवेक के पवित्र मन को पढ़ने वाली हमें जरूर मिलेगी। आओ बेटा। वेलकम अंकल। कैसे हो विवेक बेटे? ठीक हूं। साधना, ये है विवेक, रामकिशन जी के बड़े बेटे, मेरी बेटी साधना। हेलो। हेलो। आइए आइए आदर्श बाबू, वेलकम वेलकम। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे रामकिशन जी, भाभी जी। थैंक यू ममता। आदर्श बाबू हमारे शहर के बहुत ही रिस्पेक्टेबल इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, विदेश में अपना कारोबार जमा के आप कुछ ही समय पहले यहाँ सेटल हुए हैं। अच्छा। एसोसिएशन की कमेटी मीटिंग्स में इन दिनों हम बहुत नजदीक आए। आज तक हम सिर्फ बिजनेस मीटिंग्स में मिलते रहे भाभी जी, यूं फैमिली फंक्शन में बुलाकर आज रामकिशन जी ने हमारी इज्जत बहुत, मेरी बेटी साथ। जीती रहो बेटा, जीती रहो। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बेटा। हेलो। हेलो। साधना जी, आपको देखकर ऐसा लगता ही नहीं कि आपकी परवरिश विदेश में हुई है। जी जी, हिंदुस्तानी जहाँ भी रहे हिंदुस्तानी रहता है, क्यों साधना जी? Of course. Excuse me. साधना जी, ये है प्रेम बाबू, हमारे मजलिस वाले साहब। Hi everybody. और ये है विनोद बाबू, सबसे छोटे सबसे खोटे। Thank you. Some sweets please? No thanks. Then I will have one on your behalf. Excuse me. आपको आज का डेकोरेशन कैसा लगा? बहुत अच्छा। सब कुछ इन्होंने किया है, क्या कलर सिलेक्शन है, क्या फ्लावर अरेंजमेंट है, टू मच। जी लेडीज को तारीफ पसंद आती है पर दिल से की हुई, क्यों साधना जी? लीजिए, आप लेडीज का तो यही प्रॉब्लम है, तारीफ करो तो मुश्किल, ना करो तो मुश्किल। राजू बबलू एक टिप देता हूँ, आप लेडीज से कभी जीत नहीं सकते। तो आप उनसे उलझते क्यों हैं? देखा भैया, आप तो भगवान हैं। और ये इंसान है, गलती कर करके सीखते हैं। ओह हाउ स्वीट। साधना जी इस बात पे एक स्वीट तो हो ही जाए। एक तो लीजिए। साधना जी आपके परिवार में कौन कौन है? बस पापा और मैं। बहन भाइयों से भरा, प्यार के रिश्तों से बंधा परिवार कितना अच्छा लगता है, आज पहली बार देख रही हूँ। फ्रेंड्स फ्रेंड्स, आज हमारी सारी दुआएं रामकिशन जी और भाभी जी के साथ हैं, ये हमेशा यूं ही हंसते मुस्कुराते रहे। एक मिनट एक मिनट, और अब मैं रामकिशन जी से दरख्वास्त करूंगा कि वो अपनी एक्सक्लूसिव स्टाइल में हमारी डियर भाभी के लिए प्यार भरे दो शब्द कहे। ममता, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। आए, आए। आए।
रामकिशन जी प्रिस्क्रिप्शन फॉर गुड हेल्थ। जो शब्द आपने अभी अभी कहे वही शब्द रोज दिन में 3 बार फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। और भाभी जी आप, आपकी बारी। अरे नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं क्या भाभी जी, आज तो बोलना ही पड़ेगा। आइए आइए आइए, गिव हर अ बिग हैंड लेडीज एंड जेंटलमैन। मुझे कम ऑन मॉम, मुझे बच्चों से बहुत प्यार है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है।
सबके ख्वाब हम आज होकर जवां, उस परम शक्ति से करते हैं प्रार्थना। आप दोनों सलामत रहे, सबके दिल में ये अरमान है, धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है ये भगवान है, अनजान है धरती पे।